मोदी कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बुधवार को सुबह 11 बजे हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह से लंबी मंत्रणा हुई है। पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से भी लंबी बातचीत की गई है। सूत्रों के अनुसार शनिवार रविवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक में हुआ है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरों पर विचार। 18 से 19 मंत्रियों को किया जा सकता है मंत्रिमंडल में शामिल। जेडीयू, एलजेपी व अपना दल को मिल सकती है जगह। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को बनाया जा सकता है मंत्री। अभी मोदी कैबिनेट में 53 मंत्री है, ऐसे में 28 मंत्रियों की जगह चल रही है खाली। बिहार से 2-3 सांसदों को जगह मिल सकती है, वहीं मध्य प्रदेश से 1 या 2 सांसदों को जगह मिलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र से 1 या 2 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसका अलावा अगर बात करें देश भर से, वह संभावित नाम जिसको मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने में संभावित चेहरों के अंदर डॉक्टर अनिल जैन जो राज्यसभा सांसद है उनको जगह मिल सकती है। वहीं अपना दल की नेत्री अनुप्रिया पटेल को भी शामिल किए जाने की संभावनाएं हैं। अश्विनी वैष्णव जोधपुर के मूल निवासी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा बेजंत पांडा भाजपा नेता को भी शामिल किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद को शामिल किया जा सकता है। सीआर पाटिल सांसद नवसारी से हैं, इनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा सांसद को भी बनाया जा सकता है मंत्री। जफर इस्लाम राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जयांग शेरिंग नामग्याल सांसद लद्दाख से, इस चेहरे को भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, इनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं लग रही है। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा महासचिव है, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मीनाक्षी लेखी सांसद नई दिल्ली से, इनको भी जगह मिलने की संभावनाएं हैं। नारायण राणे सांसद एवं पूर्व सीएम महाराष्ट्र को भी शामिल किया जा सकता है। पंकज चौधरी सांसद महाराजगंज उत्तर प्रदेश। पशुपति कुमार पारस सांसद हाजीपुर बिहार। पीपी चौधरी सांसद पाली राजस्थान से, इनको भी जगह मिलने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा प्रीतम मुंडे सांसद बीड महाराष्ट्र। राहुल कस्वा सांसद चूरू से, राहुल कस्वा दूसरी बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं, इनके पिता भी अनेक बार सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। आरसीपी सिंह जेडीयू से हैं, राज्यसभा सांसद, इनको भी जगह मिल सकती है। संतोष कुमार भाजपा नेता का नाम भी चर्चाओं में है। सर्वानंद सोनेवाल भाजपा नेता, असम के पूर्व मुख्यमंत्री को भी जगह दिए जाने की संभावनाएं हैं। सुवेदानंद सरस्वती सांसद सीकर, इनको भी जगह दिए जाने की चर्चाएं चल रही है। सीआर पाटिल सांसद सिरसा हरियाणा से। सुशील मोदी राज्यसभा सांसद। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा नेता उत्तर प्रदेश। वरुण गांधी सांसद पीलीभीत।